उठ क्यों तड़ैर पड़ी मेरी ना मने मती ना छिड़े भरता छेड़े पर तारी तेरी ते मैं बोलिया ना चाहती अंधेरे को भार पहल में दीवाना बन करते बहुत बहुत धन्यवाद। इब्बे पढ़ूंगी कुएं यो देख ले जा रही देख ले ठीक ठीक नीचे ना पढ़ो ना ठा ले जाएगा उल्टी भी नहीं देगा। हाँ काम कानू का देवा पड़ी और चीज तुम्हारी है यो सोच सही नहीं उधाई आड़े पड़े। हाँ पियाजी चली जाऊंगी पता के पता के पता के पता होई मेरी है इब तक टट्टी शराब तेरी शर्म तेरी से मैं अपने करा चली जाती रागनी पर खुश होकर मान सम्मान करते हैं। पिया जी शायद आपको मेरा भेष नहीं दिख रहा। ये तन्ना कमा है ये पहलवान है के कमा है नोगा है रुपये कितने ले ले पर मान जा ना मान अच्छा। हाँ इनमें ही बैठा है मेरा चोर इनमें ही बैठा है। हाँ जो मैं आज रो रही हूँ ना जो मेरी आज वेशभूषा है। अरे राजा सुलेमान के राज में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई चोरी करने की। पड़ गई पियाजी पड़ गई। और वो चोरी तू चला जा तेरे से मेरा बात करने को जी नहीं कर रहा चला जा ना तो जहरीली नागिन हो रही हूँ भबोड़ दूंगी तुझे भी मैं बड़का भर लेगी। हाँ भर लूंगी
तू क्यों इतना राज्य हो रहा, तेरी मौसी लागू हूं मैं। देखियो बैठे आगे हो भी सारा जो 502 के मंडल में दो ही बीड़ी बच रही हूँ। ये राज के महामंत्री हैं, ऐसे ऐसे मंत्री रखे हैं। क्यों तो लोका ने आसान लग रही है। हाँ। कि मैं बात ना चीतना किस बात का रोड़ा इस घर में रोड़ा सारा बताऊंगी। सुनिए मेरी बात, ये मेरी वेशभूषा है ना, तू मेरी बात सुने। सुन ले, सुनाइए। क्यों भूल गया? ना ना, खत्म हो गया, भूल गया? ये अधिकार खत्म हो गया पिया जी, ये अधिकार तो बस मेरा मुंह मत खुलवाओ अब। ये बात ही अधिकार और किसी का दे दिया। पहली बात तो ये जो तुम्हारे मंत्री अंतरी शंतरी बैठे हैं, मैंने पूछू रानी नुनाते, अपने वकील को चुप करो, ये इतना बोल रहे हैं। सारी रानियां मैं सब तो प्यारी, तू मैं ही तो प्यारी नहीं हूँ पिया जी। जब भी मैं लौट आया रंग चाहत मेरा स्वागत करया करती, आज यो अधिकार और किसी तो दे दिया पिया जी। पर आज वो दिन और वो हालात कुछ अलग है। इसे क्या अलग है? कह दे तेरे ते तेरे ते पात कौन प्यारा से सारा नगर शहर धारा से तेरे ते पात कौन प्यारा से सारा नगर शहर धारा से मेरा कोई ना साथी। बचा के रखो, जरूरत पड़ेगी आगे ईसा के करवाओगी? के करवाऊंगी? हाँ। इबे कराई के है तूने, कुछ ना करा। हाँ ठीक है, मेरा नहीं के कम है, ये तेरे वकील है या तेरी बात दासी है तेरी भारे आलिया। इबे के करा, इबे तो नंबर लिया है, इबे ने पूजा का नंबर लिया है। हाँ। रात ने बतला होगा व्हाट्सएप पे, और तीन चार दिन सोई होएगा पिया जी। यहाँ और तक कुछ बात ना भाई, ये कौन सी कंपनी वाले आ रहे हैं राज कैसे टाले, ये रिकॉर्डिंग लाग रहे हैं करने, जाऊ घर वाली नहीं है सुन ली ना, वह सारी रात सोए को ना मेरे फोन के लिखाई जाएगी कदे की तो बतलाता हूँ। अच्छा। हाँ। ना घरवाली ने भी मेरा लागना चाहिए पिया जी, केक करके आवे है प्रोग्राम में, थोड़ा बहुत पता लगना चाहिए ना। अच्छा। हाँ। मेरी बात सुन, तू सुना दे। हाँ।
यू बैठे चाय पी रहा है देख। ओ बल्लू बल्लू प्रधान, ओहो शर्म आनी चाहिए, देख ले जो मेरी हालत है ना आज इसकी वजह से ही है। अरे यो 12 साल में यो पूर्णमल बोरे ते बाहर निकलया है, इसे पूर्णमल इसे अब तेरी मेरी जरूरत नहीं है, अब यो बड़ा हो गया लुगाई लादे से लुगाई। रानी नुनादे, हाँ क्या आपको पता आप किसके ऊपर दोष लगा रही हैं? मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। अरे 12 साल बोरे में रहा, जितने भी बोरे में नर नारी थे उन गवाही दी के भी वो पूर्णमल जती है। जती ना है यू, यू तो बस पति बनना चाहता है, वो भी किसी और का नहीं मेरा। तू जा कर के बैठ समाई, दूसरी दोबारा बोलो, तू जा कर के बैठ समाई, पूरण मल तू कुछ से ढंग में मैं भरी रंग चाल मंग में पूरण मल तू कुछ से ढंग में मेरी तेरे पिता के संग में जोड़ी ना मिलती
इसका मालिक चाहती रे योधन इसका बने जा पत्थर प्रेम तेरा कद जाके कद दमका में डर लागे भैया किसी तेरे आके काबू ना चलती We'll be right back.
जिगर ने धोड़ा छोटी जीवन चौकी को न्या लक्ष्मी शुरू होती है। रानी पाटम ने सपना आया था और ये देखना, ये लेख बताते हैं कि इस दुनिया में आज तक सिर्फ तीन सपने साची हुए हैं। ना तो सपने रोज देखे हैं मानस, हर एक मानस रोज सपने देखता होगा। पहली रागनी में आरसी बता रही थी कि कोई प्रधानमंत्री के लिए मीटिंग कर रहा है, कोई किसी बड़े और नेता के लिए मीटिंग कर रहा है। अरे यह बात सच्ची पण मेरी गेल भी रही है। अच्छा, तीन चार महीने तो बेरा नहीं के रासा है कोशे के लिए इतनी घनी नजदीकी भी को न्या। कदे सपने में कोशे मंत्री के लिए मीटिंग हुई दिखे है, कदे कोशे के लिए बेरा नहीं के हो करेगा। परंतु पिया जी कहते हैं कि सपने की कोई माया नहीं होती। सपने की माया नहीं होती, पर आज तो सच सच हो रहा है। इस दुनिया में तीन सपने साची हुए हैं। एक सपना उस रावण की रानी मंदोदरी ने देखा था। उसने उस सपने में लंका जली देखी, वो सपना साची होया। एक सपना उस गांधारी ने देखा था जिसमें उन कौरवों का नाश होया देखा, वो सपना साची होया। और एक सपना उस गोपी चंद की रानी पाटम दे ने देखा था सजना, वो सपना साची होया। कैसे यहीं से कहानी शुरू होती है, क्या सवाल जवाब होते हैं। कहूं तने तू सगी नणंद का भाई।
मिया जी आपकी सारी बात ठीक है, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप हमारी अदम बिचाली नैया डुबो दोगे, ये नहीं पता था। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी जीवन में कुछ नहीं देखा, और शायद आपको पता नहीं औरत का झड़ झड़ बैरी होता है। एक पति के होते हुए भी यार उसका पति उसके साथ ना हो तो इस दुनिया वालों को कितने ताने उस औरत को सुनने पड़ते हैं, शायद पिया जी आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। क्या आपने आज तक उन औरतों के बारे में नहीं सुना, उन औरतों के बारे में नहीं सुना जिसने आज तक इस दुनिया में कदे भी अपने चरित्र का दाग नहीं लगने दिया पिया जी। लेकिन जो आपके मन में जो संशय है, ये संशय किसके मन में होता है पता है आपको? जी बताओ। अपनी बात कहे और मैं बताऊंगा। पर पिया जी मुझे ये नहीं पता था कि आप ऐसा वेश भी धारण कर लोगे, ये नहीं पता। ये तो उस परमात्मा का आदेश है। अरे बुरे अपनी बात कहे और फिर मैं बताता हूँ कि तू किसने होया करे। देख लो आज तो महाराज जी न्यू कह रहे हैं उस परमात्मा का आदेश है। हाँ। जब तो एक नहीं प्रधान जी, एक नहीं दो नहीं चार नहीं सोलह सोलह लुगाई लाया। अरे वो भी उस परमात्मा का आदेश था। एक आदमी से इसका पेटा नहीं भरा जब तो सोलह सोलह भी हाँ करे, वो भी उस परमात्मा का आदेश था। हाँ कुछ आदेश नहीं है। और हाँ लड़की कितनी है? सोलह सोलह रानियां बारह बारह कन्या और दो कन्या, और देख ले दो कन्या तो ये बैठी है शादी योग्य हो चुकी है, योगी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इनका लालन पालन कौन करेगा, सोचा है आपने? ये हमारे जो नगरी के बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, हाँ ये आप संभालेंगे इन बालकों, ये सेठ तो बाद में संभालेंगे पीछे वाले खा जाएंगे। ये बैठे देख ले काले मुंह का यू बैठा, मैं तो सीधा गुफाएं दिखाऊंगा। अच्छा देख ले बाढ़ बाढ़ खेत ने खान लगी, बाढ़ का खतरा हो रहा है देख ले। हाँ अरे शिकल बढ़िया ना है, बात तो बढ़िया कर ले बुंडी शिकल के शकल बेसिक जल बहुत ठीक से। इस दूध की कटोरी के रखवाले इस बिल्ली ने क्यों बैठा है? अच्छा सुन ले जी। आज आपकी बात कोई अच्छी नहीं लग रही मुझे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। किस चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो लाश
तो तब बारात बुरी लगती है, और पियाजी तेरे इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, जब इस दिल में हो दर्द तो तेरी हर बात बुरी लगती है। अच्छी बात बुरी लग गया करे ना, ये नहीं सोचा था पियाजी। अच्छी बात बुरी लग गया करे, जब कोई गलत काम करते हो ना गेल मरी गवाही में खड़ी पावे ना पियाजी। हाँ मेरी बात सुन लो। सुनाइए भला कैसे। क्या हो गया कुछ हो गया करते बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूते में भी जान गई हो, न्यूते में भी जान गई, मेरा पैंडा छूट
नंबर तीन पर विक्रम न्यू के लगे रे भाई। एक तो निशा आवेगा के जिस दिन सच्चाई तेरे सामने आवेगी, तेरी पिंगला की सच्ची बात का तने पेरा पटेगा, और आज तने तेरे इस निर्दोष भाई को दोषी बना दिया बड़े दरबार में। एक तो निशा आवेगा रे भाई जिस दिन सच्चाई का पेरा लगेगा ना, सपने में दिखेगा तेरा ये छोटा भाई तने, तू मगर डोबेगा पर मैं पाऊं को ना। क्या कहता है नंबर तीन पर बोला कर दिया सत्या ना।
से तने और क्या करूंगी तेरा तड़के फांसी तुड़वा दूंगी कैसा ते बदमाश तने लाख रुपए की सारी के बदमाश जात कमीने कुल के हीने जात कमीने कुल के हीने मेल मिलाना चाहवे से किरसन बन के गोपनिया में रास रचाना चाहवे से अपनी गल्या हंडी का खेल खिलाना चाहवे से कह दूंगी तेरे मम्मा ने मने बहु बनाना चाहवे से कह दूंगी तेरे पापा ने मने बहु बनाना चाहवे से एरे आज तलक तो ताग रही थी चाहूंगी धन्यवाद ताली तो बजा दो रोज रोज का रास्ता हो गया तेरा रोज रोज का रास्ता हो गया गेर पतंग पत्ती में सुन सी छीट लगी मेरा रंग की सेल बैठ रहा छाती में कुरसा तन्ने छुड़ा लेगा मैं देखू तेरे ही पाती में हिरकाने में छेड़ दई रे बैठी थी घूंघट रखती
अपने मामा के घर पड़ा तूर तेरी माँ बैठे बैठे आराम का खाओ। अरे इतने साल हो गए तुमने उरे पड़े पड़े ने, बहुत बर्दाश्त कर ली, ईव नहीं करूंगी। के क्या लागे आज तलक तेरी सारी ओटी, आज तलक तेरी सारी ओटी, कद तक करू गुलामी रे, ऊंच नीच में कोन्या जाने, बोले सब के शामी रे, सारी दुनिया कया करे से हो बण जा नमक हरामी रे, माँ का भाई मामा हो से मामा की बहू मामी रे, माँ का भाई मामा हो से
न्यू कहन लगी वो रानी पिंगला कह रहे देवर मैं तेरी बड़ी भाभी हूं और तू मेरा लाडला देवर है और छोटा देवर तो घना लाडला होया करता है। कहन लगी पागल देख कर की बात है बाहर नहीं जानी चाहिए और पहली कली के माध्यम से वो क्या कहन लगी सम्मान करते हैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। हाँ अच्छा खुडन से नहीं है भाई 100-100 रुपए से हमारे अंकल जी ने भी मान सम्मान करा नाम नहीं बता और नाम बताकर भी नहीं गए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। बताए सजनों ये कलयुग चल रहा है अगर आज के जमाने में आप किसी इंसान को सही बात बताओगे ना तो उस इंसान को वो बात उल्टी लगेगी उसे ऐसा लगेगा शायद ये मेरी बात फायदे की नहीं है नुकसान की है। क्या पता आप उस इंसान को सही बात बता रहे हो सही मार्गदर्शन दिखा रहे हो क्योंकि सजनों कलयुग आ गया समय ऐसा चल गया नंबर दूसरी कली के माध्यम से वो क्या कहने लगी सुनेगा
मान सम्मान करते हैं, मोहित जी कौन से हैं? अच्छा कति लुक के बैठे हैं, मैं थारा जेठ थोड़ी लागू हूँ जी, मुंह भी मोहित वर्गा है। हाँ अरे भाई 500 रुपए से मेरा देवर लाडला देवर, हाँ बल्लू प्रधान जी, हाँ ये भी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और कहते हैं प्रेमी सजनों, कहने लगी वो रानी पिंगला कि अभी तूने मेरा दुर्गा का रूप ही देखा है, काली का रूप नहीं देखा, लाड प्यार प्रेम से स्नेह से समझा रही हूं, देवर कोई नहीं बात मान जा घर न चाल, नहीं तो कि नार नहीं नारंगी है, नारसी नारंगी नहीं जी तो रसरंगी है, कि नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं ये तो रसरंगी है, अजी ये तो दसरंगी है, और ढकले तो सारी दुनिया के कुल को, कुल के कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। नो कहन लगी केरे देवर मुझे त्रियापन पे मजबूर मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नंबर तीसरी कली में वो क्या कहने लगी, हमारे कलाकार हैं गुरुदेव, गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, ये भी मान सम्मान करते हैं, बड़ा सुंदर भजन बनाया था इन्होंने और गाया, एक बार तालियां मार दो। हाँ नंबर तीसरी कली में प्रेमी सजनों वो रानी पिंगला क्या कहने लग जाती है, सुनेगा क्या बताया, कार्यक्रम होता है जरूर पहुंचते हैं, मान सम्मान देते हैं। आइए चौथी कली में पंडित जी ने रिचोड़ कर दिया और क्या बताया, चाचा
फिर के वैशा की प्रीत जगत में के सपने प्रीत जगत में के सुपने की माया। सजनों, पहली कली के माध्यम से कवि मोदी ने बताया किस आसमान में आकाश में अरबों करोड़ों की संख्या में तारे होते हैं जो अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते। और जबकि दूसरी तरफ अकेला सूरज है, जब सूर्य उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का अंधेरा दूर कर देता है। कहने का मतलब प्रेमी सजनों, यदि किसी घर में पांच बेटे हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों लायक निकले, ताउ एक आधा नालायक भी निकल जाए, गड़ा नालायक निकल जाए। बताया, अरे हाथ की तो पांच उंगलियां भी बराबर नहीं है। घर में अगर 20 लोग हैं तो सबकी मेंटेलिटी अलग होगी, सबकी सोच अलग अलग होती है। प्रेमी सजनों, बताया कि जो करने वाला है, जो निभाने वाला है, वो एक लाई बतेरा होता है। हजार और 10,000 की जरूरत नहीं होती। पहली कली के माध्यम से क्या बताया सुनेगा। देखो साड़ी के नाम पे कितने राज्य हो रहे हैं सारे। हाँ, दो दो चार चार तो सब ले रहे होंगे साड़ी। बताया सजनों, कुछ रिश्ते आज से नहीं, बहुत पहले से ही चलते आए हैं। बताया, पर आज के जमाने में आज का माहौल ऐसा हो गया कि कति रिश्तों की सबने कदर खो रखी है।
बताया कि अगर बहन भाई धोरे फोन कर दे तो भाई 10 बार सोचेगा बहन का फोन उठाते हुए, और साली जीजा धोरे फोन कर दे नुक जीजा राम राम, ठीक है? तो सजनों जीजा गैल उठावेगा फोन, मिस कॉल में उठावेगा फोन, हाँ, और खुद भी जावेगा और 2-4 यार दोस्तों को गैल लगा के जावेगा, चल चल साली के जावे हैं, उड़े ले लो साली के डंटा, कुछ ना मिले साली के। नंबर दूसरी गली में बताया प्रेमी सजनों साडू का याराना, बताया साडू का कोई याराना नहीं होया करता सजनों, घर में आग लगाने का मुख्य कारण भी ये साडू ही करा करे हैं, और भाई कोई साडू आपस में बैठा हो तो बुरा मत मानियो, है ना? और मान लो तो जी मान लियो मेरी कौन सा भैंस खोल लोगे तुम, आइए दूसरी गली में क्या बताया सुनेगा। आदरणीय अंकल जी करतार सिंह जी 100 रुपए से गांव खुडन निवासी झज्जर, ये 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और 100 रुपए से हमारे अंकल जी ने भी मान सम्मान किया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ धन्यवाद भाई, मैंने आपके बीच में एक स्थाई दो कली रखी है, बात समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली मार दो। हाँ क्योंकि तालियां कलाकारों को ऐसी लगती हैं जैसे अंकल जी सर्दियों में घी के लड्डू लगते हैं, गाजर पाक लगती है, हाँ ऐसी हमें तालियां लगती हैं भाई। 100 रुपए से आदरणीय बल्लू प्रधान जी, 100 रुपए से मोहित प्रधान जी, ये हमारा मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए प्रेमी सजनों नंबर तीसरी कली में लोभ के बारे में बताया कि आज के जमाने में दादा सबके अंदर भीतर लोभ है, भाई भाई को नहीं देखता, 10 गज जमीन के ऊपर भाई भाई को मार देता है, औरत आदमी को छोड़ के चली जाती है, बच्चे माँ बाप को त्याग देते हैं, क्योंकि लालच बहुत बड़ी बीमारी है। आइए तू तीसरी बात में के बताया सुनेगा। पड़े लो प्यारी
लोगों के अंदर अंकल जी मैं बहुत हो गई घमंड, कोई किसी से राम रमी करके राजी नहीं है। बताया कि क्योंकि लोगों के अंदर आज मैं हो गया घमंड हो गई, कोई किसी से राम राम करके भी राजी नहीं है। दिखे मैं होगी दुनिया सारी में, मैं होगी दुनिया सारी में, करुणी का फल पाया। हुक्का भरण लाग रहे हैं तो इतना भी मत ना पियो, फेफड़े खराब हो जाएंगे थारे। हाँ अच्छा मेरे ना जी, ये सत काम मत करियो, इबे तो मैंने कुछ नहीं देखा, इबे तो मेरा ब्याह भी नहीं हुआ। आइए 500 रुपए से। हेलो फिर आरसी ब्याह की भी क्यों भूखी रह रही है बता? क्योंकि ब्याह के बाद में इंसान बेकार हो जाए ना, फिर किसी काम का नहीं रहता। एक बार वैकेंसी काट के देख लो, फार्म भरने की लाइन लग जाएगी। गणे तो बूटे फार्म भरे पाओगे। हाँ अच्छा क्यों तने चेक कर रखा है? आइए भाई 500 रुपए से आदरणीय बल्लू प्रधान जी और 500 रुपए से रिकी पहलवान जी गांव खुडन से ये भी चलकर आए हैं, रागनी पे पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रेमी सजनों चौथी और अंतिम कली में कवि मोते ने रागनी का कत्ती निचोड़ कर दिया और बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि समाज में चल क्या रहा है, दुनियादारी में हो क्या रहा है, जिनकी सुबह भी लुगाई पे शुरू और शाम भी लुगाई पे खत्म हो जाती है। आइए आखिरी कली में कवि मोते ने ऐसे लोगों को भी नाम दे दिया, और क्या नाम दे दिया सुनेगा कैसे। परमेश्वर की सेवा में शर्म लग गई।